यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूपी की कैराना लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब वहां पर चुनाव प्रचार करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव में दम नहीं है कि वो यहां पर आकर चुनाव प्रचार कर सके, क्योंकि उनके हाथ मुजफ्फरनगर दंगों के खून से सने हैं। सहारनपुर के अम्बेहटा पीर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पश्चिमी यूपी के लोगों में अंधविश्वास फैला सकते हैं, लेकिन विकास के कामों को लेकर विश्वास पैदा नहीं कर सकते। पहले यहां पलायन होता था, लेकिन अब यहां पर पलायन नहीं, निवेश होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी को डार्क जोन से मुक्त कराने जा रही है और साथ ही विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। पिछली सरकारों ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा था, बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। जातिवाद, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति अब बीजेपी को नहीं रोक सकती। कैराना में विकास की ही जीत होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वकार आलम तुर्की हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वकार जी, जिस तरीके से अब सीधी चुनौती दी है, अखिलेश पर सीधा निशाना साधा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, क्या लगता है जो चुनाव प्रचार को लेकर सीधी चुनौती दी गई है वो इस पर खड़े उतर पाएंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले दो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसको लेकर जो है बीजेपी में कहीं ना कहीं अब सुगुवाहट ये है कि जो विपक्ष एक इकट्ठा हो रहा है उसको एक ही साथ मात दी जाए, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरीके के हालात बने हैं जैसे पिछले दो उपचुनाव में बने थे। उसी तरीके से सारा विपक्ष एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, किसी ने भी किसी एक ही कैंडिडेट जो तबस्सुम है उन्हीं को जो है सीधे तौर पर सारा विपक्ष सपोर्ट कर रहा है। तो उसको लेकर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं विपक्ष को खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी जो एकता है उसको किसी तरीके से भंग किया जाए, या फिर वो जो मायावती और अखिलेश का जो गठजोड़ बन रहा है, जो अभी सिर्फ उपचुनाव में दिख रहा है, अगर आने वाले चुनाव में वो गठजोड़ हो जाता है तो उसका तोड़ निकालने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। उसी को लेकर ये नई रणनीति अपनाई गई है। दरअसल ये इस उपचुनाव को लेकर नहीं है, ये आने वाले 2019 की तैयारी है। उसी से पहले बीजेपी जो है सारे हथकंडे अपना लेना चाहती है और आजमा लेना चाहती है कि वो किस तरीके से इस पर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकार आलम तुर्की तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो योगी सरकार ने खुली चुनौती दी है अखिलेश यादव को, प्रचार करने की चुनौती उनकी ओर से ये दी गई है।